वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो आप 2022 का पेपर देने वाले हो तो क्या उसमें जो आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि आपको एक बार में ही याद हो जाए, और याद होने के बाद आप सच बता रहा हूँ आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। क्वेश्चन को तरीका होते हैं कुछ पढ़ने के, वो तरीके मैं आपको डिस्कस करूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कॉपी में किस तरीके से लिखना है। ठीक है, लिखने वाली वीडियो मैं अलग प्रोवाइड कराऊंगा, इसमें हम सिर्फ पढ़ने वाले बात करेंगे कि किस तरीके से पढ़े कि हमें 85% प्लस लाना है। कितना लाना है? 85% प्लस। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 85% प्लस हमारा टारगेट है 2022 के एग्जाम में। देखो तो पढ़ने का तरीका, वहां से पढ़ो जहां से आपका पेपर फंस रहा है। मेरा तरीका भाई कहने का मतलब यही है कि आप वहां से पढ़ो जहां से आपका पूरा की पूरा पेपर फंस रहा है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से एक रास्ता बताऊंगा और एक ही गाइड करूंगा कि आप सिर्फ पेपर हैकर पर भरोसा करिए, पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वहां से आपको क्या मिलेगा, चाहे आप बीएससी में हो या फिर आप बीए में हो या फिर आप बीकॉम में हो, समझ रहे हैं ना, आप सभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग, जो आपके पेपर में छप रहे हैं साफ साफ करके। आप खुद भरोसा करते हो कि जो हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है, उससे बाहर कुछ नहीं आता। एग्जाम से दो दिन पहले या फिर एक दिन पहले मैं अपलोड करता हूं कि यार भाई ये क्वेश्चन पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही क्वेश्चन में आएंगे और आते हैं और आते हैं, आप भी जानते हो उस बात को। और देखो ये, और मैं जितने भी स्टूडेंट पोस्ट करते हैं ना नीचे, आप पोस्ट किया करो कि हाँ इस वीडियो से सर ने जो बताया वही क्वेश्चन आया। तो आप जब पोस्ट करते हो तो हम उस पोस्ट को YouTube के अंदर पोस्ट डाल देते हैं, आप कमेंट करते हो तो पोस्ट डाल देते हैं हम, ताकि आप पर भरोसा हो जाए। आपको भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। अब सिर्फ इतना जान लो कि कैसे करके तैयारी करनी है। देखो ध्यान से, मैं एक कलर इसका चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक छोटा सा पेन का। देखो आप ये कलर दिखता होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यदि आप बीएससी में हैं, समझ रहे हैं ना, यदि आप बीएससी में हैं या फिर आप बीए में हैं या फिर आप बीए में हैं या फिर आप बीकॉम में हैं, ठीक है ना, आप कहीं से भी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां से क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात को, आप फर्स्ट ईयर में हो सकते हैं। देखो फर्स्ट ईयर को हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिवाइड कर रखा है। आप सेकेंड ईयर में हो सकते हैं या आप थर्ड ईयर में हो सकते हैं, यही तो होंगे ना, इतने ही स्थान पर हो सकते हैं आप। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। प्लेलिस्ट में किस तरीके से लिखा होगा, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एक बार में समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में लिखा है 10th 12th, फिर क्या लिखा है, बीएससी बीए बीकॉम, ठीक है, आल प्ले, उसमें लिखा है प्लेलिस्ट लिंक, वीडियो प्लेलिस्ट लिंक, इस तरीके से लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर होगा, उसके बाद प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको, उस लिंक पर आप टच कर देना। लिंक दिया होगा, उस लिंक पर आप टच कर देना, आपको क्या मिलेगा, समझ लेना मेरी बात को ध्यान से, आप एक बार में पहुंचेंगे। आपको पूरा पहले तो हाई स्कूल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, उसके बाद में ट्वेल्थ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, फिर बीएससी की मिल जाएगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंटों के लिए। उसके बाद में क्या मिलेगी, ये मिलेंगे आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आने वाले क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, 2022 में आने वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्या होगा, जस्ट उसके नीचे होगा बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है ना, थर्ड ईयर इनके लिए क्या होगा, 2022 के लिए एमसी क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं उसके बाद आपको मिलेगा बीए पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2022 इंपोर्टेंट, उसके बाद मिलेगा बीकॉम 2022 इंपोर्टेंट। इस तरीके से सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच कर लेना। वहां से आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो ध्यान से, वहां से करना क्या है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी दिखाऊंगा कैसे आपको ध्यान है, वेट करिए जस्ट मोमेंट। अब आपको क्या करना है, अब उसमें दे रखे हैं केवल 18 से 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 18 से 20 भी क्वेश्चन हो जाएंगे किसी किसी पेपर में जो 2022 में आने वाले हैं। आप उन क्वेश्चनों को देख के चले जाना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं यूपी की, 85% प्लस। और अभी पेपर जो हो रहा है ना प्रेजेंट में, आपके पेपर चल रहे हैं आपको पता है, उसका मैंने सारी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, सारी वीडियो 2022 के पेपर की, सारे पेपर के जो पेपर हो रहा है उनके सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं आपके लिए, ठीक है ना,
अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझो मेरी बात को, इतना समझ में आ गया। चलो पेपर को प्रूफ, पेपर हम क्यों अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको प्रूफ हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि जो हमने क्वेश्चन दिए वो पेपर हैकर द्वारा जो दिए गए वो पेपर में आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल आ रहे हैं। आप भरोसा करोगे और हम आपको बता रहे हैं, भरोसा करो करना पड़ेगा, क्योंकि हम वो चीज दे रहे हैं जो आपको पेपर में आ रहा है और आप भी जानते हैं। आपको क्या करना है, हर यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र है जिस यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ करे, उनका नाम, अपना नाम लिखा करो और यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर, और इस नंबर पर आप मुझे 7037327838 और 38, अब ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर तुरंत उस पीडीएफ को या फिर आप मुझे फोटो, उसका फोटो खींचकर, ठीक है ना, जो होगा आपका पेपर होगा उसका फोटो खींचकर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप ट्रांसफर करोगे, सेंड करोगे, ताकि और अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखोगे, ठीक है, जो भी पेपर हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूं कि अब पढ़ें कैसे। ये मैंने क्वेश्चन दिए, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, डेली आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है, बाकी कुछ मत पढ़ना। एग्जाम से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी पढ़ना ही नहीं है कुछ। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है तुम्हें, अब करना क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करोगे, अब पढ़ने का तरीका क्या है, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है उससे पढ़ाई करो, नहीं है तो मेरे नोट्स खरीदो, उससे डाउनलोड करो, वहां से साइट से डाउनलोड कर लो, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमने सुविधा दी गई है, समझ रहे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से समझो, अब पढ़ने का तरीका क्या होता है, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है उससे पढ़ोगे, अब पढ़ना तो उसी चीज से, बाकी किसी चीज से नहीं पढ़ा, अब तरीका क्या होगा पढ़ने का, देखो सोचो, मैं आपको एक छोटा सा एक सिंपल तरीके से दिखाता हूं, एक नोट्स खोलता हूं यहां, इस नोट्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ठीक है, कोई भी बुक है, गैस पेपर है, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, जिससे हमें एक बार में क्वेश्चन याद हो जाए। अब याद रखना मेरी बात को, पेपर कितना भी कठिन आ जाए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छूट भी जाते हैं, हमसे कुछ भी नहीं आ रहा पेपर में, तो भी बना बना के करके आना, छोड़ के कुछ नहीं आना, इस बात को याद रखना कि कुछ नहीं फंसा, कोई फर्क नहीं पड़ता फंसे या ना फंसे, मेरी बात क्या कर रहा हूं, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने जो क्या पढ़ा है और पेपर में वो पढ़ा नहीं आया तो भी आप बना बना के करके आओगे, लेकिन आओगे जरूर, लेकिन छोड़ के मत आना। मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बस वही पढ़ के जाओ, कुछ मत पढ़ो, 100% वही पेपर में आएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं आपको पढ़ना किस तरीके से है। अब देखो हमने क्या किया, एक मैंने पीछे एक पेज खोल रखा है, जो आपकी गैस पेपर, क्वेश्चन बैंक, बुक मान लो, जो चाहे आप उसको मान सकते हो, उसका मैंने क्या किया है बेटा, एक मैंने एक पेज खोल रखा है और उसमें एक क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा, इस तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम एक क्वेश्चन होगा, आपके बुक, नोट्स, गैस पेपर, ऐसे जिससे आप पढ़ाई करते हो, सीरीज वगैरह 2020 जो मिले आते हैं, मेरे 22 वगैरह, तो अब क्या हो, इसमें तरीके से क्वेश्चन होगा कि अनुनाद पर टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन है। अब आप अनुनाद, मैंने मान लो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे दिया कि भाई अनुनाद को अच्छे तरीके से याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आप क्या करोगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, अब ये क्वेश्चन तो आपको पता है कि अनुनाद वाला तैयारी कैसे करें, अब अनुनाद को तैयारी करने का मतलब को उसको याद करने का तरीका क्या होता है, अब एक बार वो आप ज्यादातर लोग कहां गलती करते हैं उस गलती को देखिए, कहां गलती करते हो तुम लोग वो देखिए, गलती करते कहां उसको ध्यान से समझना है। देखो गलती कहां करते हो आप, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, अब इसका आप आंसर याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको याद है अनुनाद क्या होता है, अब इसका जब आंसर आप याद करते हो तो सबसे लोग कुछ नहीं करते हैं, ये मेरा एक टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन बैंक का एक पेज है, और आप कैसे पढ़ते हो कि यहां कुछ नहीं लिखते हैं, कॉपी पे कोई टिक नहीं लगाते हैं, अपने गैस पेपर पर कुछ नहीं, सिंपल ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे करते हैं, अधिकांश कार्बनिक यौगिक एक संयोजक सूत्र के इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से निरूपित नहीं किए जा सकते, उदाहरण के लिए बेंजीन, उनके सूत्र प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका मतलब कि यहां मैं आपको बता रहा हूं 100% स्टूडेंट है उसमें से कम से कम बता रहा हूं 95% इस तरीके से पढ़ते हैं, 95% 5% है ना वो किस तरीके से पढ़ते हैं उसको समझ लो, जो 5% स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ता है, और जो 5% पढ़ता है ना उसको हमेशा याद रहता है, क्यों, इसका भी एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका भी बताऊंगा, समझो मेरी बात को, इस 5% को 95% में कन्वर्ट करना है आपको, आप सभी स्टूडेंटों को इतने आगे जाना है कि आप सोचोगे। अब आप तरीका क्या है उसका समझो मेरी बात को, 95% में कैसे कन्वर्ट होगे, 5% को ये ना आना चाहिए, लेकिन आप जितने स्टूडेंट हो ना मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, आप सभी को ये तरीका पता होना चाहिए, क्या है आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी नोट से पढ़ाई करते हैं या फिर अपने बुक से पढ़ाई करते हैं
तो उसको एक पेन या फिर पेंसिल आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए, एक पेन या फिर एक पेंसिल है वो आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। और आपको क्या पढ़ना है, मान लीजिए मेरे पास पेन है, आप भी इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे पढ़ोगे, आप अंडरलाइन करके पढ़ोगे, अंडरलाइन करके ही पढ़ना है। और आपको याद रखना है वो वर्ड छोड़ देना है जो हमारे काम का नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में वो वर्ड छोड़ेंगे जो हमारे काम का नहीं है, मतलब हमें उस पर कोई भरोसा नहीं है कि हम उसे लिखें या ना लिखें तो भी हम उसको बनाव कर सकते हैं। कैसे, देखो मेरी बात को, यहां कह रहा है कि अधिकांश कार्बन, अधिकांश को हम अधिकतर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड। मैं आपसे कहूंगा बीए बीएससी बीकॉम में है तो कोई भी तरीका हो, चाहे आप किसी का भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, तरीका यही होगा अपने नोट्स बुक को पढ़ने का कि आप उसको अंडरलाइन करके पढ़ें, कोई एक पेन उठाइए और उसको, तरीका यही हुआ। आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको एक बार में 50% क्वेश्चन याद हो जाएगा, दोबारा उसको पढ़ेंगे तो 100% नहीं तो 90% तो पक्का हो जाएगा, उसके बाद में 10% की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर हमें 80% याद हो जाता है तो 20% की जरूरत नहीं पड़ती है, उस वक्त हम बना बना के कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने इस क्वेश्चन को रट लेंगे ना तभी ये क्वेश्चन याद होगा, वरना आप इस क्वेश्चन को समझेंगे ना तो आगे की ऊपर की लाइन पीछे, पीछे की लाइन नीचे कर सकते हो, मुझे पता है, आप भरोसा करो मेरे पे। अब आपको क्या करेंगे, देखो अधिकांश, कुछ लोग ऐसा थोड़ी अधिकांश ही लिखेंगे, यहां अत्यधिक भी लिख सकते हैं, अधिक कह सकते हैं, अत्यधिक जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एक संयोजकता सूत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से निरूपित नहीं किए जा सकते। अब यहां क्या जरूरत है कि यहां इलेक्ट्रॉनिक सूत्र का लिखने का, अरे हमने सिंपल बोल दिया ना, यहां जब अथवा में दे रखा है तो काहे पढ़े हम उस चीज को, काहे पढ़े, हम ये पढ़ेंगे कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक एक संयोजकता सूत्र, यहां तक हम अंडरलाइन करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब है नहीं है, यहां से देखो निरूपित किया जा सकते हैं तो सूत्र से, अब यहां से लिखेंगे, यहां सूत्र हटा दो, यहां यहां से लिखेंगे से, यहां से अंडरलाइन करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं दोबारा से, देखो हमने यहां से अंडरलाइन करना स्टार्ट किया, देखो ध्यान से हमने कहां से किया, यहां से, कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक एक संयोजकता सूत्र से निरूपित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कहोगे बेंजीन को पर्यावरण सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, तो आप लिखिए बेंजीन को, ठीक है, निम्न सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, आप बेंजीन को इस सूत्र से प्रदर्शित कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है, C6H6 बात वही है ना, इसको इस निरूपित से कर सकते हैं ना, ये C6 और H6 ये होता है, ठीक है, अब 6 होता है 6, ठीक है, C6 और H6 इसको उसने क्या कर दिया, इस सूत्र से निरूपित कर दिया, बात खत्म, समझ में आ गया। तो हमें वो कुछ यहां छोड़ना है, अब हमारा मान लीजिए, अब एक लाइन और कर देता हूं, इस संरचना में तीन कार्बनिक कार्बन, कह रहा है तीन कार्बन कार्बन एकल बंद सिंगल बॉन्ड और तीन कार्बन कार्बन जो होते हैं वो द्वैक बंद से बंद होते हैं, मतलब कि जो एक, देखो कह रहा है कि तीन जो कार्बन होते हैं वो एकल बंद द्वारा और तीन कार्बन कार्बन होते हैं वो द्वैक बंद मतलब डबल बॉन्ड द्वारा होते हैं, जबकि प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है, और यहां कह सकते हैं जबकि, यहां करो प्रयोगों जबकि लिखने की जरूरत नहीं, यहां से लिख सकते हैं प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ है कि बेंजेन में कह सकते हैं कि समत, जो कह सकते हैं समत कार्बन कार्बन बंद समान होते हैं और इनमें, ठीक है, एक सी बंद लंबाई इतने एगस्टन होती है, मतलब हमें जो छोड़ना होगा ना, जो हमें बीच बीच में जो बर्ड छोड़ने हैं उस पर अंडरलाइन नहीं करनी है। अब मान लीजिए, अब मैंने ये कॉपी को बंद किया अभी इसी वक्त, और मैंने अभी मॉर्निंग में पढ़ा हूँ, इसको मैंने मॉर्निंग में पढ़ा हूँ और अंडरलाइन किया है, मैंने यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ा है नहीं, मुझे बताइए छोड़ा है या नहीं, बिल्कुल छोड़ा है। अब आप क्या करोगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, अब आप करोगे क्या, करने का तरीका क्या है, देखो अब हम जब भी इस कॉपी को उठाएंगे, हमारे पास अंडरलाइन करा हुआ है, हमने यहाँ जबकि भी छोड़ा है, और हो सकता है मैंने यहाँ समान को देखो इंडस्ट्रियल भी छोड़ा है इसको, ठीक है, और यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड को मैंने सिंपल बॉन्ड लिख रखा है, आप इस सिंपल बॉन्ड को छोड़ सकते हैं क्योंकि एकल बॉन्ड छोड़ सकते हैं, या फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से जो एकल बॉन्ड है इसको भी यहाँ यहाँ से हटा सकते हैं कि हमें यहाँ से मिले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब करने का तरीका भाई होगा ना, समझने का तरीका, हमारे माइंड को हम किस में इसमें कैसे डालेंगे, वो डालने का तरीका समझो। अब क्या करना है, मैं देखो ये कह रहा है, अब हम जब भी इस कॉपी को उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास अंडरलाइन पूरी करी हुई है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा पढ़ूंगा तो क्या करूंगा, अब मुझे पढ़ने का तरीका, अब देखो जब भाई कॉपी इसको उठाऊंगा दोबारा से, तो हम ये पढ़ेंगे कि अनुनाद का क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग तुरंत, और हमें पता होगा कि अधिकांश कार्बनिक यौगिक एक संयोजकता सूत्र से निरूपित किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए बेंजीन, बात खत्म, उदाहरण के लिए बेंजीन, बेंजीन का सूत्र बना दो, बात खत्म हो गया। हाँ, फिर यहां पर करेंगे, फिर इस संरचना के तीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और तीन कार्बन कार्बन द्वैल बॉन्ड से द्वैल बॉन्ड होते हैं, जबकि प्रयोग में यह ज्ञात होता है कि बेंजीन के समापन के कार्बन कार्बन
बंध समान होते हैं और इसमें एक सी बंध इलेक्ट्रॉन लंबाई होती है, बस खत्म। अब हमने देखो जो छोड़ा है, हमने ये चीज छोड़ दिया तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना हमें, जो हमने अंडरलाइन नहीं किया है हमें वो चीज देख रहे हैं जो हमें याद हो सके। सिंपल वर्ड निकालो यहां से, क्वेश्चन से सिंपल सिंपल वर्ड निकालो, ठीक है। सिंपल सिंपल लाइनें देखो कि जो हमें याद हो जाए हमेशा, कोई भी क्वेश्चन है सिंपल सिंपल लाइन देखो, पूरा पढ़ो क्वेश्चन को पूरा एक बार। लेकिन ये हमारी काम की लाइन है, देखो ये इन्होंने यहां से लेकर यहां तक दिखाया है इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अब यहां इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता सूत्र को इलेक्ट्रॉनिक सूत्र कहते हैं, हमें पता ही है, लेकिन लिखने की जरूरत क्या है हमें? हमें आपको समझाने के लिए उसने बोला है, लेकिन आपको पेपर में लिखने की क्या जरूरत है मुझे ये बता दो? लिखने की जरूरत है नहीं, आपको याद करने की जरूरत है नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको वो इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। अब जब भी आप कॉपी को उठाओगे, अपनी नोट्स को उठाओगे, कभी भी किसी भी टाइम पढ़ोगे तो आपको वही पढ़ना है जो आपने अंडरलाइन किया है। अब मान लीजिए एक घड़ी को आप जो 95% स्टूडेंट में से थे सिंपल पढ़ते थे, मान लीजिए ऐसा पेपर आप पूरा गैस पेपर आपके पास ऐसा है, क्वेश्चन बैंक सीरीज वगैरह ऐसी पड़ी है, बुक वगैरह जिसके आप नोट्स हैं, आप जब भी पढ़ोगे, मान लीजिए अभी पढ़े, आप आज पढ़े और कल को इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, हमने भले ही ये सूत्र को छोड़ा था, हमें पता है कि हमने यार ये अच्छा नहीं लगा हमें, लेकिन दो दिन बाद तीन दिन बाद हम पढ़ते हैं ना, तो हम आधी चीज को भूल चुके होते हैं, पता है तुम्हें। अब हम जब भी पढ़ेंगे इसको तो इसको भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अंडरलाइन पढ़ के करके नहीं पढ़ा है, हमें वो चीज़ पढ़ना है। बेटा पढ़ने का तरीका मेरे हिसाब से अंडरलाइन करके पढ़िए, 50% वैसे ही याद हो जाएगा जब आप पढ़ोगे अंडरलाइन पढ़ के। जब अंडरलाइन करते हैं ना तो हम लोग समझ के पढ़ते हैं, याद रखना, और आपको समझ के पढ़ना है। ये तरीका होता है पढ़ने का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिए हैं बस वही पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। नोट्स को हमारे डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी समस्या आती है व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। और आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करना है कि भाई जो सर बताते हैं वही पेपर में आता है, बस इतना कमेंट आपको सभी लोगों को करना है। यदि ये बात सत्य है आपके साथ तो, मैं ये नहीं कहता, यदि आप हम पर भरोसा करते हैं और हम आप पर भरोसा करते हैं, आप जरूर कमेंट करना कि जो मैं बताता हूं कि वो सच में आते हैं या नहीं। मैं झूठ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपसे, सच बोलिए लेकिन दिल से बोलिए, ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन बताना। पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में सही तरीके से लिखने का तरीका बताऊंगा कि पेपर में कैसा लिखना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो मैंने प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, डेली की वीडियो भी देख सकते हैं आप। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।